छोटी सोच नहीं रखो, छोटी सोच नहीं रखो। कौन सी सोच रखनी चाहिए? बड़ी, बड़ी सोच रखो कि हो सकता है मैं बोलूं और असर हो जाए, क्यों नहीं, अल्लाह जबान में तासीर दे दे, क्यों नहीं। छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। ये आज का टाइटल रखो, आज के बयान का एक उन्वान रख दो, क्या? छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। अब छोटी सोच ना हो, बड़ी सोच हो तो कैसे होगा? मैं एक वाकया बताता हूँ यूरोप का। यूरोप में, इंग्लैंड में, एक सिटी में, अभी इस वक्त वहाँ पर स्नोइंग हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी अपने साथियों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि बड़ा हसीन मंजर है, सब तरफ सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ की चादर बिछी हुई है। इट्स वेरी वाइट वाइट एवरीवेयर, स्नो स्नो स्नो, माइनस डिग्रीज में टेम्परेचर चल रहा है। मैंने भी वहाँ पर माइनस 15 देखा है, माइनस 15, और माइनस 15 डिग्रीज में कब्रिस्तान में भी जाके सूरह यासीन सुना करके आया हूँ। इतनी ठंडी। एक इमाम साहब थे मस्जिद के, वो जुमा के दिन खुतबा दिया करते थे, और उन्होंने इरादा किया कि मैं अपने खुतबे का जो पैम्फलेट है वो बना करके लोगों में तकसीम करूंगा, लोगों को दावत दूंगा कि मैं आज जो है वो मैं बयान करने वाला हूं और आप लोग सब तशरीफ लाएं। कभी कभी जुमा में बयान किया करते थे, कभी कभी रात में बयान किया करते थे। तो उन्होंने बहुत सारे पोस्टर्स बनाए और इरादा किया कि मैं इसको तकसीम करवाऊंगा। लेकिन हुआ क्या, उस दिन बहुत बर्फ गिरी, सब जगह सड़कें जम गई, गाड़ियां भी नहीं चल पाती हैं, फिसल जाती हैं बर्फ पे, ऊपर जम नहीं पाती ना, वो टायर्स फिसल जाते हैं। उनका एक बेटा था तकरीबन 10 साल का, उसने कहा कि डैड आई विल टेक दीज पोस्टर्स डोर टू डोर, आई विल डिस्ट्रीब्यूट दीज पोस्टर्स टू एवरीवन। बाप ने कहा कि बेटा बहुत बर्फ पड़ रही है, अभी जाने से कुछ फायदा नहीं है, तुम बीमार हो जाओगे, तुमको सर्दी लग जाएगी। कहा नो डैड आई विल गो। छोटी सोच नहीं थी, कैसी सोच थी? आपका रिस्पांस तो दो ना, बोलो कैसी सोच थी, बड़ी आवाज में बोलो कैसी सोच थी। आई विल गो एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑल दीज पोस्टर्स टू द पीपल एंड जस्ट गिव मी द परमिशन, आई वांट टू गो, मुझे जाना है। तो बाप ने जज्बा देख करके कहा बी केयरफुल बेटा, बी केयरफुल सन, गो बट बी केयरफुल, टेक केयर, जाओ जाओ। गया, उसने पोस्टर सब जगह तकसीम किए, उतनी ठंडी में वो गया, जाकर गया। छोटी सोच नहीं थी कि मेरे एक जाने से पोस्टर देने से क्या होगा। हम लोग भी सोचते हैं वादी दून का इस्तेमाल, अरे इतने सारे लोग तो पोस्टर लगा ही रहे हैं, अब मैं अकेला नहीं लगाऊं तो क्या होगा, ये छोटी सोच है। अकबर बादशाह ने एक मरतबा, पानी नहीं मिल रहा था लोगों, बारिश नहीं हो रही थी, तो कहा कि एक तालाब खुदवाया जाए। अभी तालाब तो खोदा लेकिन पानी कहाँ से आएगा, तो कहा कि क्या करे, तो बीरबल से कहा, तो बीरबल ने कहा ठीक है मैं भरवाता हूँ। तो उसने ऐलान किया कि रात में जो है अंधेरे में सब लोग अपने अपने घर से निकलकर एक एक लोटा पानी लाके पूरे शहर के लोग उस तालाब में डाल दें, पानी भर से तालाब भर जाएगा। नहीं, उसने कहा कि एक एक लोटा दूध लाके डालें। क्या कहा? एक एक लोटा इसमें दूध लाके डालें, इस तालाब को किससे भरना है? दूध से, दूध से भरना है। रात को लोग उठे, कहा बादशाह को हुक्म है, अभी यहाँ पानी के वांदे हैं, दूध कहाँ से ले जा करके हम डालेंगे, चलो दूसरे लोग तो दूध डाल ही देंगे, मैं एक लोटा पानी डाल देता। ऐसा सब ने यही सोचा और दूसरे दिन तालाब पानी से भर गया। छोटी सोच, समझे आप, इससे लेकिन काम हो गया। तो इसी तरीके से उस बच्चे ने यह सोचा कि लेट मी गो, मैं जाऊंगा। हुआ क्या, दूसरे दिन जब वो बयान हो रहा था, बयान के बाद एट द एंड ऑफ द स्पीच एक बहुत ही ज़ईफ बूढ़ा शख्स उठ के खड़ा हुआ, कहने लगा एक्सक्यूज मी इमाम साहब, आई वॉन्ट टू से अ फ्यू वर्ड्स, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो कहा यस यू आर वेलकम, अंग्रेज था। उसने कहा कि तुम्हारे बेटे ने, योर सन हैज सेव्ड माय लाइफ, तुम्हारे बेटे ने मेरी जान बचाई है। कहा वो कैसे? कहा जब कल बहुत सर्दी थी,
सब जगह सड़कें जमी हुई थी, बर्फ जमी हुई थी, और मैं तन्हा रहता हूँ अपने घर में, मेरा कोई नहीं। यूरोप में लोग तन्हाई की ज़िंदगी गुजार गुजार के पागल हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं अंग्रेज़ जिनके बच्चे उनको छोड़ देते हैं, ओल्ड पीपल हाउसेस में ले जाके छोड़ देते हैं, और मरने के बाद दफन करने की भी उनको फुर्सत नहीं होती। वो तो हमारा मजहब है, जिन्होंने माँ के कदमों के तले मेरे सरकार ने जन्नत ला करके रख दी है और बाप को जन्नत का दरवाज़ा करार दिया है, इसीलिए आज ये वैल्यूज़ आज भी बाकी हैं और माँ बाप की कदरें हम आज भी करते हैं, सुभानअल्लाह। तो कहा कि मैं बहुत डिप्रेस हो गया हूँ और मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला परेशान हो गया था, पागल हो गया था मैं। तो उस दिन मैंने सोच लिया था कि मैं आज किसी तरीके से आई एम गोइंग टू कमिट सुसाइड, मैं आज खुदकुशी कर लूँगा। तो मैं अपनी घर के एटिक पर गया ऊपर और मैंने फांसी का फंदा बनाकर अपने गले में डाला, और अभी मैं लटकने ही वाला था कि मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई। तो मैंने सोचा जाने दो यार, आप कौन आएगा यहाँ पर मुझे देखने के लिए, मुझे नहीं देखना है किसी को। लेकिन फिर दिल ने कहा कि मरने से पहले देख तो ले कौन आया है। तो उसने कहा कि मैंने वो फंदा उतारा और नीचे आया, देखा तो आपका बेटा ये पैम्फलेट लेके खड़ा था। मैंने वो पैम्फलेट पढ़ा और ये डिसाइड किया कि मैं आपकी तकरीर सुनने के लिए आऊँगा। जब मैं तकरीर सुनने के लिए आया तो मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे कलमा पढ़ा लीजिए, मुसलमान कर दीजिए। उसकी जान भी बची और उसका ईमान भी बच गया, यानी उसको ईमान भी मिल गया। छोटी सोच होती कि इतनी बर्फ में कौन जाएगा, मेरे एक पोस्टर देने से क्या होगा, तो उसकी जान भी जाती और ईमान से भी जाता। लेकिन अल्लाह ने उस अच्छी सोच की वजह से, ब्रॉड सोच की वजह से, उस बच्चे की हिम्मत की वजह से उसकी जान भी बचा ली और उसको ईमान की दौलत से भी मालामाल फरमा दिया। SDI चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले हमारे नए वीडियोस और लाइव इज्तिमा के लिंक मिले।